ये बेलर है सर, बेलर। ये 1.5 लीटर में 1 किले की पराली इकट्ठी करके गांठ बांध के बाहर निकलता है, और 6-7 किले की ये दिन में पराली इकट्ठी करता है। ज़्यादा इसका कोई खर्चा नहीं है, जितना इसका प्राइस है इतना ही गवर्नमेंट प्रदूषण के उसमें सब्सिडी दे रही, भाई कोई आग ना लगाए, ज़मीन खराब ना हो, ये ना हो। और छोटा जिम्मेदार इसको बिल्कुल जब फ्री जैसा जी, जैसे इंसान आराम से ले सकता है, इसको कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, और ये लेना भी चाहिए। ये प्रदूषण अब दिल्ली से आ गया, अब वहाँ से आ गया, तो वो बोलते हैं वहाँ से आ गया, तो इसको ख़त्म करना चाहिए प्रदूषण को। और पराली का भी रेट गवर्नमेंट दे रही है, 1000 रुपये किला भी दे रही गवर्नमेंट, भाई पराली ना जलाओ, 1000 हम आपको देते हैं। इससे पहले पराली काटेगा कैसे? इससे पहले वो कल हुआ काटने वाला, वो उससे काटो और लगाओ, कोई इसमें ज़्यादा रिपर से भी काट देते हैं, उससे भी इकट्ठी उससे भी, हाँ बिल्कुल, किसी से काटो ये इकट्ठी करके गांठ बना के छोड़ देता है, और आराम से। छोटे जिम्मेदार के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे कोई किराया नहीं करना चाहता अपने घर के लिए भी ले लो, 20-30 किले की जो कर रहा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया टॉप क्वालिटी की चीज़ है, सारी तरफ से कंपनी। थोड़ा बताएंगे क्या क्या है, क्या क्या है इसमें? इसमें सर बस सिर्फ इसको लगाओ और इसमें PTO लग जाए ट्रैक्टर को, और चलाओ बस, जो भी कटे होगा उसको गांठ अंदर जाएगा और अंदर से गांठ बंद के निकलेगी, धागा इसके अंदर गांठ मार के 25-30 किलो के तक ये वो गांठ बनाता है, और बस उसको बाहर उठाओ और ट्रैली में लोड कर लो। पराली भी जगह जगह मोल लेन के गवर्नमेंट ने वो खोल दिए, भाई यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, हम ये प्राइस देते हैं, हम ये देते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कोई कुछ रेट। इसमें कोई ड्रा सिस्टम तो नहीं है, कोई भी जिम्मेदार अपने आप ले सकता है? नहीं, ड्रा नहीं है इसमें सर, इसमें सभी जिम्मेदार जिसका जी करता है वो ले सकता है। ट्रैक्टर की RC होनी चाहिए? RC या ट्रैक्टर ले, ओरिजिनल, ओरिजिनल का काम है, ओरिजिनल सबको मिलेगा, कोई ले, खुला है जी, कोई ऐसी नहीं, भरो सब्सिडी भरो आप, मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट प्रदूषण ख़त्म करना चाहती है, उसके लिए ये निकाले एग्रीकल्चर, उसने निकाल दिया। हाँ सभी, ऐसा छोटा जो बेलर बनाया गया है, बेलर के माध्यम से छोटे जो जिम्मेदार हैं, जब बड़े जिम्मेदार हैं वो भी कर सकते हैं इसको। एशर ट्रैक्टर पर चलाया जाएगा, तमाम ऐसे प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए, पराली को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं नए से नए तकनीक के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जरूर कर रही है सरकार, नए नए यंत्र बना रही है, इन तमाम यंत्रों के माध्यम से अब देखना ये होगा कि किसानों को कितने फ़ायदेमंद होते हैं, किसान कितना इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा ये जो यंत्र है फ्री है, कोई कॉस्ट किसान के अपने जेब से पैसे नहीं जाएंगे, तमाम तरह की जो गवर्नमेंट इसके पे करेगी। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इसका क्या फ़ायदा उठाते हैं, किसानों को फ़ायदा देते हैं या आप ही आगे की तरह इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाते हैं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी।